कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेके आ गया हूं मैं यूएनआई की तरफ से आने वाली सीरीज डिलीट ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर। सो जैसे देख सकते हैं, आज मैं करने वाला हूं इसका अनबॉक्सिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना, ताकि और भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, फिर उसके बाद बात करेंगे इसी ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे यूएनआई की ब्रांडिंग मिल जाती है, सीरीज डिलीट यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। बॉक्स के ऊपर जो लुक मिलता है इसका, काफी जबरदस्त मिल जाता है देखने के लिए। नीचे आप देखोगे तो इसके साथ में यहाँ पे एक माइक भी आता है जो 3 मीटर का है। नीचे आप देखोगे तो 13 वाट का है ये, और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप मिलता है इसमें तकरीबन 6 घंटे के बैटरी बैकअप के साथ आता है ये। और दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे दूसरी साइड में, तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं, सो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। करते हैं पहले इसको अनबॉक्स। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, बॉक्स से बाहर निकाल लिया हूँ और काफी बड़ा है स्पीकर इसके अंदर। और यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है स्पीकर के ऊपर, और पूरा ब्लैक कलर में मिल जाता है देखने के लिए। दोस्तों उसी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक माइक मिल जाता है जो इसमें लगाकर यूज करना है, और ये माइक की भी क्वालिटी काफी अच्छा मिल जाती है देखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें जो वायर मिलता है माइक का, ये 3 मीटर के लेंथ के साथ आता है, तो 3 मीटर तक का दूरी आप तय कर सकते हो ये माइक लगाने के बाद। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो काफी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आगे जो मिलता है ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आता है, तो यहाँ पे आपको आरजीबी लाइट मिल जाता है पूरा देखने के लिए। तो ऑन करने के बाद काफी जबरदस्त यहाँ पे आरजीबी लाइट मिलता है, जो अलग अलग कलर में जलता हुआ दिख जाएगा आपको। तो और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जो इसका कंट्रोल पैनल है ऊपर के साइड में मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो यूएनआई की ब्रांडिंग है, तो यहाँ पे भी आपको यूएनआई की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने को। दोस्तों यहाँ पे आप साइड में देखोगे तो माइक के लिए एक पोर्ट मिल जाता है देखने को, यहाँ पे आप ऑक्स वायर लगाकर यूज कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो TF कार्ड भी लगा के यूज कर सकते हो, यानी कि मेमोरी कार्ड लगाकर भी आप इसे बजा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो USB केबल के लिए भी एक पोर्ट मिल जाता है अलग से। यहाँ पे आपको माइक्रो चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, DC 5 वोल्टेज, यहाँ पे कुछ बटन मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ऑन ऑफ के लिए बटन मिल जाता है, तो यहाँ से ऑन ऑफ होता है ये। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके डिजाइन की, तो जो इसका डिजाइन है काफी जबरदस्त मिल जाता है पीछे आप देखोगे तो, और साइड से भी आपको काफी जबरदस्त डिजाइन मिल जाता है इसमें देखने के लिए। आगे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 स्पीकर मिल जाते हैं जो काफी जबरदस्त है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 वाट सपोर्टेड है, तो 30 वाट सपोर्ट है स्पीकर का, तो काफी जबरदस्त साउंड क्वालिटी होने वाली है इसकी। हम चेक करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी को, बजाएंगे भी इसको और सब कुछ क्लियर करेंगे कि कितना काम का है ये। चलिए कनेक्ट करता हूँ मैं इसको अपने फोन के साथ, फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी और फीचर्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है, तो आप इसे आराम से कहीं भी लेके जा सकते हो इस तरह से पकड़ के, और काफी आराम से पकड़ में आ जाता है ये। तो हाथ में भी काफी फिट बैठ जाता है, तो आराम से आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो पकड़ के। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, तो आराम से यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो इसका। उसी साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको, फोन से भी आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों कर लिया है हमने इसका साउंड टेस्ट, और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी तगड़ा मिल जाती है इसमें। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्यूचर की, तो मैं बता दूँ आपको 5.0 का ADR मिल जाता है, तो काफ़ी तेज़ी से कनेक्ट हो जाता है फ़ोन के साथ। उसी साथ दोस्तों मैं बता दूँ आपको 2400 mAh के बैटरी के साथ आता है, तो जो इसके अंदर बैटरी मिलती है काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो इसका लुक्स और डिजाइन है काफी जबरदस्त मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पे जो स्पीकर के आगे जो आप देखोगे डिजाइन मिलता है, काफी जबरदस्त लुक दे रहा है। यहाँ पे ग्रिल के जैसा तैयार किया गया है, तो काफी बेस्ट लग रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरजीबी लाइट के साथ आता है, जैसे ही स्पीकर को आप ऑन करोगे काफी जबरदस्त लाइटिंग होती है यहाँ पे स्पीकर के साइड में। सो पहले मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें जो लाइटिंग होती है कितना जबरदस्त लगता है देखने पे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है ऑन करने के लिए, तो यहाँ से इस बटन को ऑन करना है आपको। और जैसे कि देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे जो लाइटिंग हो रही है इसमें काफी जबरदस्त लाइटिंग हो रही है, और अंधेरे वगैरह में अगर इसे आप यूज करते हो
काफी मजा आने वाला है इस ब्लूटूथ स्पीकर पे, और लाइटिंग काफी जबरदस्त होती है इसकी। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त मिल जाती है इसमें देखने के लिए। पूरा प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है, काफी स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, अलग अलग कलर में आपको अलग अलग मोड्स में देखने के लिए मिल जाएगा ये ब्लूटूथ स्पीकर का लाइट। दोस्तों यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे जो बटन मिलते हैं, यहाँ से आप सॉन्ग प्ले पॉज भी कर सकते हो, सॉन्ग चेंज भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको चार बटन मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो जो स्टार्टिंग बटन है, यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हो। सो एफएम मोड चेंज कर सकते हो, एफएम मोड पे सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ मोड सेलेक्ट कर सकते हो, यूएस मोड सेलेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से। एफएम मोड, ब्लूटूथ मोड। सो गाइस यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हो, और साउंड क्वालिटी काफी तगड़ा है इसका। अगर आप पार्टी इंजॉय करना चाहते हो, दोस्तों के साथ में हो, तो आराम से इसे यूज कर सकते हो आप। दोस्तों कंपनी क्लेम करती है 6 घंटे की बैटरी बैकअप का, बट मैं बता दूं आपको, इसे कम्प्लीटली अगर आप फुल चार्ज कर लेते हो, एक बार चार्ज करने के बाद 4 से 4.5 घंटा कंटिन्यू यूज कर सकते हो इसको 50% वैल्यूम पे। 100% वैल्यूम पे अगर आप इसे यूज करते हो तो नहीं होगा, 50% वैल्यूम पे अगर आप इसे यूज करते हो तो आराम से 4 से 4.5 घंटा मिल जाएगा आपको म्यूजिक एंजॉय करने के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके साथ में एक माइक भी आता है, तो माइक भी लगाता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ कि माइक का जो साउंड क्वालिटी है कैसा है। सो चलिए पहले मैं लगा लेता हूँ माइक को इसमें। दोस्तों मैं बता दूँ आपको, प्लग एंड प्ले है, जैसा ही आप माइक को लगाओगे इसके अंदर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। इसको कनेक्ट करने की आपको कहीं से भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कनेक्ट होता ही है। गाइस साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त है, माइक देख सकते हो, भी लगाया हूँ मैं इसमें, काफी मजा आ रहा है इसके साथ। काफी आराम से आप इसे एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों माइक का जो वायर आता है 3 मीटर का आता है, तो 3 मीटर तक का दूरी आप तय कर सकते हो, 3 मीटर लंबा ही माइक आता है इसके अंदर। दोस्तों माइक को स्पीकर में कनेक्ट करने के लिए आपको इस बटन को ऑन कर लेना है और स्पीकर में लगा देना है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है ये। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस स्पीकर के प्राइस की, तो मैं बता दूं आपको 1500 से 1600 रुपए के अंदर अंदर मिल जाता है। सो फाइनल दोस्तों काफी बढ़िया है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।